हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियश पटेल। बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप हो, मेरे को पता है कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो पता नहीं होगी। कैसे कौन सी सब्जेक्ट के साथ, कैसे कौन सी एग्जाम के साथ डील करना है वो भी आपको नहीं पता होगा। पहली बार आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, या फिर चल रही है, या फिर खत्म होने को आई है। तो ये सारे कंफ्यूजन जो आपके हैं फर्स्ट सेमेस्टर की रिगार्डिंग, वो सब बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, चैनल के ऊपर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको आपके ट्वेल्थ में कितने भी परसेंटेज क्यों नहीं आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो इंजीनियरिंग का होगा उसमें थोड़े से भी हवा में रहे तो जमीन के अंदर जाने में देरी लगने वाली नहीं है। मैंने जो गलती की थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म का एक भी स्टूडेंट्स वो गलती दोहराए और एटीकेटी लेकर के आए। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरी एटीकेटी लगी थी, लेकिन वो सारी गलतियां मैंने सेकेंड सेमेस्टर में सुधार ली थी। तो सेकेंड सेमेस्टर कभी भी मेरी कोई भी एटीकेटी आई नहीं, ये फिक्स है। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला कि आपको आपकी खुद की नोट्स बनानी है। सबसे पहले आपको आपकी खुद की नोट्स बनानी है। नोट्स बहुत जरूरी है एंड मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। आपके पास आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स के यूनिवर्सिटी के पेपर होने चाहिए। आपकी जो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के 3 या 4 पेपर आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है, कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक कम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बेटा आपको कंपलसरी पता ही होने चाहिए। तो सब्जेक्ट्स पता है तो उसके PYQ डाउनलोड कर लो, उसकी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, उसकी प्रिंट निकाल लो और आपका जो सिलेबस है उसमें से टिक कर डालो कि इतना इतना यहाँ पे आगे भी है। प्लस नोट्स कैसे बनानी है, तो नोट्स कैसे बनानी है इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये वीडियो बेटा आप पूरा देख, ताकि आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जो बुक में लिखा था वो पूरा लिखने की जरूरत बेटा यहाँ पे नहीं होती है। आपको प्रॉपर ऐसी नोट्स बनानी है जो लास्ट मोमेंट पे एक दिन पे आपका रिवीजन खत्म करवाए, क्योंकि अपने पास एक दिन का ही टाइम होगा, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम अपने पास नहीं होता है। अगर आपको बुक में से पढ़ रहे हो नहीं मजा आ रहा है तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हमारी जो एप्लीकेशन है प्रिय सर विद्यापीठ, उसके अंदर बेटा स्टोर सेक्शन है और वो स्टोर सेक्शन के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्स अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि आपका जो फर्स्ट ईयर है तो उसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग BCE सब्जेक्ट्स, उसके बाद BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद Mathematics 1 PPS BEEE EGD, ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर बेटा ऑलरेडी लाइव सेशन भी शुरू हो चुके हैं। जैसे कि मैं Maths 1 अंदर आपको दिखाऊं तो लाइव सेशन भी इसके अंदर अब शुरू हो गए हैं। वीक के 3 लाइव सेशन कोर्स के अंदर होते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखाता हूँ। ये पार्शियल है जिसके रिकॉर्डिंग वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी नोट्स अवेलेबल है, DPP विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, लाइव क्लास की नोट्स यहाँ पे हमने रख दी है। और लाइव सेशन के अंदर जाओगे तो आज का हमारा जो लाइव सेशन यहाँ पे हुआ था 38 मिनट का, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स इसमें हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में रखे थे, उसके अलग अलग नए सम स्टूडेंट्स को करवाए। तो बेटा ये लाइव सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लाइव आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो और हमारे साथ लाइव में भी आ सकते हो, जिसमें आपको बहुत मजा आए और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। यहाँ पे क्वालिटी मैं करूँ तो 720 पिक्सल तक आप क्वालिटी में इसको देख सकते हो, क्लियर। तो अब आपको मजा आएगा, रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव का भी फील आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसके अंदर जा सकते हो, अभी 30% ऑफ चल रहा है, जाओ डेमो देखो, हर एक कोर्स के डेमो अवेलेबल है, सब कुछ कोर्स के अंदर है। और ऐसी ऐसी एक फाइल भी हमने रखी है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे वो हमारे कोर्स में से ही आए थे विद प्रूफ रखे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया था यूनिवर्सिटी का, उसके बाद मैं लाइव आया था, उसमें मैंने मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स के आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट बताए थे, जो पूरे गुजरात में नंबर 1 पोजिशन पे हमारे स्टूडेंट है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सभी कोर्स में लैंग्वेज हिंदी में ही होगी, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी ही होनी चाहिए। अब बेटा दूसरी लैंग्वेज में आप आगे जब जाओगे जॉब लेने के लिए तो कोई आपको जॉब भी कभी नहीं देगा। तो अभी से ही आप हिंदी सुनना शुरू करोगे, थोड़ा इंग्लिश सुनना शुरू करोगे तो आपको बोलना भी शुरू होगा। तो क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लो, पुराने पेपर्स डाउनलोड कर लो, सब्जेक्ट के सिलेबस में टिक कर लो कि क्या IMP है क्या नहीं है। साथ में बेटा आपको खास खुद की नोट्स बनानी है, अगर कोर्स में भी हो तो भी PDF में देख के आपकी खुद की नोट्स बनानी बहुत जरूरी है। तो खुद की नोट्स भी बना लो,
और नोट्स कैसे बनाना है उसका वीडियो देख लो। तो अभी से बेटा आपको प्रिपरेशन करना शुरू करनी है थोड़ी थोड़ी, कभी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है, टाइम फिर कम मिलेगा, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होगा तो एटीकेटी लगने के सबसे ज्यादा आपको चांसेस है। तो ये वीडियो आपके जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है सब में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अभी तक जगह नहीं है तो जग जाए और उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। तो मिलता है कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।